नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड वे। अब तक जो मैंने फोर्स निकाला वो चार्ज पे निकाला वे, न कि किसी वायर के ऊपर वे या किसी बॉडी के अंदर जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तक जो मैंने फोर्स निकाला वो किस पे निकाला है? चार्ज के ऊपर। कितना वैल्यू था भाई, कुछ याद है? क्यू वी बी साइन थीटा, यस आर नो? क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स था सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर इन मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चन ये है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर या ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो क्या उस पर फोर्स लगेगा भाई? ये 10th क्लास का टॉपिक है अभी क्लास, अगर टेंथ में थोड़ा रिकॉल हो, ये एक्टिविटी था 10th क्लासेस के अंदर भी। एक वायर को रखा गया दो मैग्नेट के बीच में, करंट फ्लो कराया, एक तरफ भाग गई वायर, धागे से बांध कर रखा था उसको, ठीक है? तो क्या पॉसिबल है कि कोई करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगे हुए अगर उसको फील्ड में रखा जाए? अगर करंट कैरिंग वायर यूज कर रहा हूँ तो पक्की बात हो मैग्नेट है, यस आर नो? एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? दोनों कंडीशन किसकी हैं? फोर्स की हैं भाई, तो लगेगा पक्की बात अभी। कर लोगे तो कैसे करोगे, उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिएगा अभी। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड भी, और उस पर मैंने रख दिया एक करंट कैरिंग वायर भी, कोई भी एंगल पर रख सकता हूँ मेरी मर्जी है भी। ये जीरो से लेके कितना एंगल हो सकता है? 360 का हो सकता है। करंट कितना फ्लो कर रहा है अभी, आई मान लें, यस आर नो? कितने एंगल पर रखा गया इसको? एनी एंगल थीटा भी, चेक कर लेंगे किसी भी एंगल के लिए। जीरो पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा, कोई भी एंगल हो सकता है, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा भी? हो जाएगा भी, हो गया। तो लिख लीजिए, वी हैव ए कंडक्टर हैविंग करंट आई, वी हैव ए कंडक्टर हैविंग करंट आई, ओके? लिखिए लेट एक एल क्या है भाई, एल ये रहता हूँ पूरा वाला, लेंथ क्या है भाई इसकी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे भी या कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है जहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा। एन क्या है भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी, पर यूनिट इसमें सेकेंड यूनिट यूज कर रहा हूँ मैं, इस तरह की चीज़ हम पहले वहाँ पे लिख चुके हैं, है ना, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हो जाएगा अभी। देखो मेरे पास जो फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये चार्ज के लिए अभी, कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अभी, यस आर नो? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उस पर फोर्स लगेगा, पक्की बात है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्वेश्चन ये है, किसी करंट कैरिंग वायर में से इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो करेगा अभी, तो वी डी क्या होगी इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वी आया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, कर पाओगे? अगर मेरे को निकालना पड़ जाए अभी कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल लिख दूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, एन भी, कर लोगे? और पूरा वॉल्यूम कितना है, ए एल, ठीक है, ए एल, एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे? अगर आप चेक करना चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन भाई, इसका फॉर्मूला मेरे पास है भाई, कितना आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों मान लूँ, किस वेलोसिटी चल रहा है, वी डी से, फील्ड कितना यूज कर रहा हूँ, बी किस एंगल पे है भाई, एनी एंगल थीटा भी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन भी, यस आर नो? हमें पूरा फोर्स निकालना हो तो भाई हर एक पे निकालना हो, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू एक पे कितना लग रहा है, क्यू वी डी बी साइन थीटा, और कितने इलेक्ट्रॉन है इस तरह के भी, एन ए एल भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी यूज़ कर रहा हूँ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F बराबर अभी QNALVDB साइन थीटा भी सही है कि नहीं है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट भी क्लास सेकेंड यूनिट के अकॉर्डिंग भी रब कर दें इसको डायग्राम को भी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट भी, आई का वैल्यू कितना होता भी? कुछ याद है? NEAVD ई क्या है? चार्ज है ना भाई, कितना यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसलिए सकता हूँ ऐसे NQAVD करंट कितना है? NQAVD क्या इसमें ये चीज़ें हैं? क्या इसमें N है, Q है, A है, VD है, एक I बन सकता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? F बराबर है I, क्या बच गया L, और क्या बच गया B साइन थीटा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वे। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखना हो तो भाई I तो वेक्टर नहीं है, L वेक्टर हो सकता है, L क्रॉस भी। दिस इज द टॉपिक वे, फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन निकालेगा बाय राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग रूल्स लेफ्ट हैंड से भी। करंट की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन से। कर लोगे? कर पाओगे? यस बी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर भी। दो वायर हैं, दोनों से करंट फ्लो कर रहा है, कोई मैग्नेट नहीं है, दोनों वायर किस तरह बिहेव करेंगे? बिहेव लाएंगे मैग्नेट्स भी। सीधी सी बात, मेरे पास दो मैग्नेट है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? और ये मान लेता हूँ जो वायर में यूज कर रहे हैं दे आर इनफाइनाइट लॉन्ग्स भाई। कौन सी वायर हैं? इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत लंबी वायर यूज कर रहा हूँ, और उनके बीच का कोई डिस्टेंस भी है अभी, ये मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है आर, और करंट भी फ्लो कर रहा है। इसका करंट I1 मान लेता हूँ, इसका कितना मान लेते हैं I2, अलग अलग यूज कर लेते हैं। कर लोगे? ये पॉइंट, ये वायर AB मान लेते हैं, ये वायर कौन सी है? CD। डायग्राम नहीं बनाना अभी, जुट गए होगे है ना बहन की, क्या बहन हो जा रहा है ना, शर्ट भी बना दूँ डायग्राम। लिखो भी क्लास, लिखिए वी हैव टू करंट कैरिंग वायर, वी हैव टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग आर प्लेस्ड, ऐसे लिखिए ऑफ ए इनफाइनाइट लॉन्ग हैविंग करंट I1 and I2 are placed parallel to each other ठीक है, कुछ डिस्टेंस है बता नहीं रहा, डायग्राम में दिया रखा भी आपको। कर पाओगे भाई? अब क्वेश्चन आपको फोर्स निकालना है किस पे? दोनों वायरों पे। देखो सोच के देखिएगा भाई, अगर मैं फोर्स इस पे निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या फोर्स का भी निकाला हम लोगों ने, ILB साइन थीटा, यही था ना भी, ILB साइन थीटा। इस पे फोर्स निकालना है तो किसका फील्ड यूज़ करूँगा, किसके फील्ड में रखा गया इसको? इसके फील्ड में रखा गया, यस और नो? करंट किसका यूज़ करूँ, उसमें करंट भी आया हुआ है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, और ये भी मान रहा हूँ भाई दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में है, उल्टे हो तो क्या, वो बताऊँगा अभी आपको। पक्का जीरो जाएगा, बताएंगे देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। F का वैल्यू कितना है? ILB साइन थीटा। इस पे निकालना है अगर फोर्स आपको, तो
बी किसका यूज़ करोगे? इसका। इस पे निकालना हो तो इसका भी। ये जो फोर्स लगेगा इसको मैं F2 मान लूँ भाई, ये 2 वाले हैं सारे, ये वाले F1 वाले, तो मान लेता हूँ भाई। ये निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑन CD ड्यू टू AB। AB पे फोर्स कौन लगा रहा है? सॉरी, CD पे कौन लगा रहा है? AB तो लगा रहा होगा, यस और नो? वैल्यू कितना मान लेते हैं? F2 सेकेंड वाला। ये करंट कौन सा? अभी ये लिखिए, फोर्स ऑन CD ड्यू टू AB4। यूनिट एलिमेंट ले लेता हूँ, यूनिट एलिमेंट, क्योंकि वायर बहुत लंबी है भाई, छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने इसका। कितना लेंथ का? एक का। एल का वैल्यू कितना आ गया? 1। समझ में आई कि नहीं आई? तो फोर्स निकालना है ये वाला। आई किसका यूज़ करूँ भाई? I2। एल कितना है? 1। बी किसका यूज़ करूँ? फर्स्ट वाले का। नहीं समझ में आई बात आपको? एंगल कितना भाई? प्रॉब्लम है भाई, व्हाट इज एंगल भाई? अब देखिए अभी, अगर ये वायर यूज़ कर रहा हूँ, पक्की बात है इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म में करेगा? इन टर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स में। इस टर्म में करेगा? इन टर्म ऑफ ए कोसेंट्रिक सर्कल। इस वायर का फील्ड डायरेक्शन क्या होगा बताओ? यहाँ से इनवर्ड होगा और यहाँ से क्या होगा? आउटवर्ड। ऐसे बनेगा? तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा भाई? कैसे होगा? इनवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है फील्ड का? कौन से फील्ड का? B1 का, इनवर्ड। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे को बता दो भैया, इस वायर की लेंथ पे B कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना। ये वायर है ऐसे जा रहा फील्ड, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। समझ में आई बात है? यस सर नो? प्रॉब्लम क्या हो गया? B1 निकालो। B1 किसका भाई? निकाल चुके हैं, बहुत बार निकाल चुके हैं स्टेट वायर की वजह से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 भाई? फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2πr। कितना आई? आई इस वाला आई भाई, क्योंकि फील्ड तो ये बना रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं भाई, एक I1, एक I2, एक B1 B2, एक F1 F2। कन्फ्यूज नहीं होना कि क्या हो रहा है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ F2 का वैल्यू कितना? पूरा पुट कर दें वैल्यू, कितना आंसर आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, sin 91 हो चुका है। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये हो गया फोर्स ऑन ए CD ड्यू टू AB। डायरेक्शन अभी नहीं दे रहा, बाद में दूंगा डायरेक्शंस। कर लोगे वो बाद में दे लेंगे। कर पाओगे इतना भी? अब निकालते हैं सेकंड पॉइंट, राइट कर लिया, ये बातें नहीं है। फोर्स ऑन AB ड्यू टू CD, फोर किसके लिए? यूनिट एलिमेंट भी, फोर यूनिट एलिमेंट। अब बताओ भाई, एक और डायग्राम बना रहा हूँ। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये AB है, थोड़ा डायग्राम छोटा करते हैं। ये CD है भी, करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से I1 था I2, ये कितना है? I1। किस पे निकालना है भाई? किस पे निकालना है? AB पे निकालना है। किसका फील्ड यूज करोगे? CD का। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? पक्का है कोसेंट्रिक सर्कल तो बनने वाले हैं भाई, यस और नो? यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा होगा? इसके लिए फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है भाई। डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है भाई, B2। कर लोगे? अगर डायरेक्शन ऑफ B2 ये है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? सॉरी, F2 का वैल्यू, F1 की F2? F1 भाई। फार्मूला के अकॉर्डिंग भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? फर्स्ट वायर से I1। कितना लेंथ यूज़ कर रहे हैं? 1। कितना फील्ड यूज़ कर रहे हैं? B2। किस एंगल पे यूज़ कर रहे हैं? 90 डिग्री पे यूज़ कर रहे हैं, यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 क्लास? इसके लिए भी म्यू नॉट I2 बाई 2πr, पुटिंग द वैल्यूज भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, यस और नो? क्या फोर्स सेम है? दोनों का सेम फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन है डायरेक्शंस क्या है? इस डायग्राम में देखिएगा भाई,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है इस पहले डायग्राम में। अब यूज कीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स भी। फील्ड कैसे है इसमें? इनवर्ड, ये रहा, यस और नो। करंट कैसे है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कैसे है? इस तरफ अभी, यस और नो। ये कौन सा फोर्स है भाई? F1 है कि F2 है? ये F2 है अभी, यस और नो। समझ में नहीं आ रहा? इस कंडीशन में देखिएगा फील्ड कैसे है भाई? आउटवर्ड है, ये रहा, यस और नो। करंट कैसे है? ऊपर, ये रहा। तो फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। हाँ, टूट गया, इट इज एफ वन। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस और नो। अगर इन दोनों वायर को एक साथ रख देता हूँ मैं, ऐसे एक साथ रखेंगे वैसे तो, इसका फोर्स एफ वन है भी, इसका फोर्स एफ टू, ऐसे है ना। तो इन वायरों के अंदर अट्रैक्शन होगी कि रिपल्सन होगी भी? एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अट्रैक्शन होगी कि रिपल्सन होगी? लास्ट गर्ल्स भी, बताओ क्यों खींच रहे हैं? कहाँ खींच रहे हैं? ये तो कम आ रहा है इस तरफ से, ये तो कम आ रहा है इस तरफ से, रिपल्सन होगी पक्का है? दो ही आंसर है भाई, एक वायर ये है, एक वायर ये है भाई, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्शन। समझ में आया नहीं आया? लिखो फिर, पहले डायग्राम बनाओ दोनों भी। डायरेक्शन दे ली, अब लिखिएगा इसको भी। लिखो, व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर विल बी, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द वायर भी, देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन द वायर। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने अभी लाइन लिखवाई है एम सी क्यूज में पूछी गई लाइन है भी, कर लोगे? अब क्वेश्चन ये है, अगर इन वायरों की डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? अब कर दें इसको भी, क्या होगा भी? क्लास डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल दूं भाई। देखो हमारे टाइम में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे भी यहाँ पे भी, अब तुम्हारा टाइम ये है, अच्छे वाले क्वेश्चन डाल दिए गए हैं अभी, बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। ये एक वायर ये है, एक वायर ये है, आपकी बात डायरेक्शन ऑफ उल्टी है भी करंट के भी, ये सर ना। इस पर निकालना आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी, कैसे निकालोगे? फील्ड कैसा होगा इस पर भी? पक्का है कोसेंटर सर्कल बनने वाले हैं भी इसकी वजह से, ये सर ना। तो फील्ड कैसा होगा? यहाँ से इनवर्ड होगा भाई, यहाँ से क्या होगा? इनवर्ड, इनवर्ड। ये बी टू है, यस और नो? करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? सो ये फील्ड की डायरेक्शन है, करंट कैसे है? ऐसे भाई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? इस तरफ। ये एफ वन, एफ वन था ना, एफ वन, इस पर निकालना होगा। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई? यहाँ से करंट फील्ड ऐसे जा रहा है, अरे यहाँ से आउट, यहाँ पे चेक करना है, इनवर्ड है फील्ड भाई, यस और नो? बी वन, डायरेक्शन है इनवर्ड भाई, करंट है नीचे, यस और नो? तो कैसे लगेगा? एफ टू, एक वायर ये है, एक वायर ये, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, क्या बोलोगे? रिपल्सन हो रहा है, यस और नो? डायग्राम बनाओ भाई, ये लिखवाया था मैंने, रिपल्सिव फोर्स हो रहे हैं। लिखो फिर इसको, लिखो, व्हेन करंट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन फोर्स इज रिपल्सिव भी। फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा भाई। ये एमसीक्यूज़ में एक बार पूछा गया था, डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स किस तरह का होगा? रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ करके भी कर पाओगे? अभी इसी का मैं इसमें डिफाइन करना पड़ेगा आपको भी, वन एम्पियर क्या होता है, लिख लीजिए डिफाइन, वन एम्पियर में
वन एम्पियर को डिफाइन करना पड़ेगा भाई। फार्मूला क्या था अभी क्लास, बताइए मेरे को, एफ का वैल्यू फार्मूला भी, म्यू नोट आई वन आई टू बाई टू पाई आर। देखो म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है क्लास, 4π10⁻⁷। कोशिश ये करते हैं नीचे 4π ना काटें भाई, कट जाए 4π, ले सकते हो इसमें 4π, इसको 2 से गुणा करें 2 से भाग दें, कुछ फर्क पड़ेगा भाई, बाई 4π आर हो गया, आ गया 4π। यस आर नो, क्या आप यहाँ से आई वन आई टू निकाल सकते हो, आई वन इंटू आई टू कितना आंसर आएगा, एफ बाई 4πr डिवाइड बाई 2 म्यू नोट। यस आर नो, वेन आई वन बराबर है आई टू बराबर है 1 एम्पियर, अगर दोनों बराबर 1 हो तो 1 × 1 कितना आएगा आंसर 1, आर कितना हो 1 मीटर का। यस सर नो, करके देखो भाई, ये कितना हो, देखिए यहाँ पे कितना हुआ एफ, एफ अभी लिख नहीं रहा मैं, 4π इंटू 1 बाई 2 इंटू 4π 4π⁻⁷, तो 4π से 4π कट गया, पूरा आंसर 1 लेके आना आपको भाई 1। यस सर नो, तो वो एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, एफ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर भी। वाई इट इज न्यूटन पर मीटर क्लास, कंडीशन डाली थी पर यूनिट लेंथ लिखा था मैंने वैसा भी, पर यूनिट लेंथ या एलिमेंट जो भी यूज़ किया था, कर लोगे तो इस पूरी डेफिनेशन से क्या आप कर सकते डिफाइन व्हाट इज 1 एम्पियर भी। यस और नो, अब वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 2 × 10⁻⁷ में क्या 1 वैल्यू होगी, तो 1 इज 1 एम्पियर, कर लोगे डिफाइन करो भाई, ऐड कर लिया इतना, समझ में आ रहा है, इस पूरे का आंसर 1 करना भाई, करो बस सीधी सी बात है, ये 4π 1 नहीं हो सकता, तो फिक्स वैल्यू है भाई, ये 1 हो सकता है, ये फिक्स वैल्यू है, बच गया कितना 2 बच गया 10⁻⁷, तो एफ भी कितना होना चाहिए 2 × 10⁻⁷, तो कट जाएंगे आंसर क्या हो जाएगा 1 का भी, तो लिखो इसको जल्दी से, लिखो 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज फ्लो इन ईच वायर, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर और वैक्यूम ऑफ वन मीटर अपार्ट, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर।